हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन। देखिए ये क्या होता है, ये किसी भी सिस्टम की कैपेबिलिटी होती है ताकि वो रिजॉल्व कर सके मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स को स्कैनिंग लाइन के साथ, उसे हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन कहा जाता है। इसको हम शो कर सकते हैं वर्टिकल बार पैटर्न के थ्रू। इसमें क्या होगा कि इसमें एक जो एम होता है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन होता है वो इक्वल होता है, और उसमें नंबर ऑफ लाइंस जो होती है, यो नंबर ऑफ अल्टरनेट ब्लैक और वाइट जो बार्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए इसके। एन ए क्या शो करता है, नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस, यानी कि 585 जो एक्टिव लाइंस होती है, क्योंकि 40 लाइंस इनवैलिड होती हैं, तो एक्टिव लाइंस 625 में से 585 लाइंस ही एक्टिव लाइन होती है। और एक्सेप्ट रेशियो 4:3 होता है, 4/3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है। ये भी हम कर चुके हैं कि ग्रोथ स्ट्रक्चर में कि 4:3 क्यों होता है, ये स्टैंडर्ड रखा जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एन ए इंटू एक्सेप्ट रेशियो जो इज इक्वल टू 718 लाइन। यानी कि ये क्या करता है, ये शो करता है नंबर ऑफ अल्टरनेट ब्लैक और वाइट बार्स जो कि कंसाइडेड किए जाते हैं 780 बार्स होते हैं, ब्लैक और वाइट बार्स। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि ये ब्लैक, ये डार्क है, ये वाइट है, ये डार्क है, वाइट है, ब्लैक और वाइट बार्स होते हैं 780। इसमें ऐसे स्कैनिंग होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार शो कर किए हुए हैं। इसमें क्या हुआ, ये जो स्पॉट है ये स्कैनिंग स्पॉट है, ये वाला स्पॉट है जो कि स्कैन करता है सारे एलिमेंट्स को। तो इसमें क्या होगा कि इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं जो सारे वर्टिकल प्लेन्स होते हैं वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होते। इन सारे वर्टिकल प्लेन्स होंगे ये कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं होंगे, इसमें कोई मिसमैच जरूर होगा। इसी तरह से ही क्या होता है, जो सारे पार्ट्स होते हैं लाइन के वो भी पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होते, यानी सारे टाइम पे हर पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता, किसी ना किसी कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। इसमें क्या होगा, ये डिपेंड होता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि जो ब्लैक और वाइट, ब्लैक एंड व्हाइट मोनोक्रोम में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरिया पिक्चर में, और जो इसमें इक्वल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजोल्यूशन होगा। देखिए अगर सेम रेजोल्यूशन फैक्टर यूज किया जाता है और डिटरमाइन किया जाता है इफेक्टिव नंबर ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल लाइंस में, हॉरिजॉन्टल लाइन में कि हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे या फिर पिक्चर एलिमेंट्स होंगे उन्हें शो किया जाता है, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ब्लैक और व्हाइट सेगमेंट होता है वन हॉरिजॉन्टल लाइन, वन सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन वो इक्वल होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन के, तो n इज इक्वल टू क्या होगा कि नंबर ऑफ जो पिक्सल्स होंगे, जो भी पार्ट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, n a क्या होगा, जो भी उसकी एक्टिव लाइंस होंगी इनटू पूरे रास्टर में 625 में से 585 जो होती है एक्टिव लाइंस होती है, एक्सेप्ट रेशियो होता है 4/3 का, 4:3 का, और इंटू के केल फैक्टर जो कि स्टैंडर्ड होता है 0.69। तो 533 पिक्सल्स पर लाइन के लिए होते हैं पिक्चर एलिमेंट्स होती हैं। ये तो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन की बात। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि 533 स्केयर, ठीक है ना, ये 533 जो है ना ये स्केयर्स होते हैं और पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं जो स्कैन स्पॉट के थ्रू स्कैन किए जाते हैं और एक वीडियो सिग्नल डेवलप करते हैं, और स्कियर वेव जो नेचर होता है उन्हें शो करते हैं। स्विचिंग कंटिन्यू चलती है डिफरेंट जो वोल्टेज लेवल्स होती है उनमें। इसमें ब्लैक और पीक वाइट होते हैं एलिमेंट्स, कैसे ये देखिए, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म कुछ इस तरह से शुरू की जाएगी। ये देखिए ये 533 होते हैं एक लाइन में, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये पीक वाइट लेवल होता है, और ये वाला पार्ट होता है ये वाला, ये क्या शो करता है, ब्लैक लेवल को शो करता है। ये वोल्टेज लेवल जो होती है कोरस्पॉन्डिंग ब्लैक और वाइट पीक के बीच में होती है, यानी कि इन दोनों में होगी यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज होगी।
और इसमें क्या होगा कि जो बार पैटर्न जो कि हमने दिखाया था, इसमें एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में हमने कहा है कि 533 जो स्केयर्स होंगे, लेकिन एक बार पैटर्न में, वन लाइन में जो कंप्लीट साइकिल चेंजेस होते हैं, एक साइकिल में जितने चेंजेस होते हैं वो होते हैं 533 अपॉन 2, यानी 533 के आधे, यानी 267 कंप्लीट साइकिल चेंजेस होते हैं, यानी कि 267 स्केयर बेस साइकिल जो होती हैं वो जनरेट होती हैं बीम पे, जो ट्रेवल करती हैं विड्थ ऑफ पैटर्न के ऊपर, यानी कि ये वाले स्केयर, इसके हाफ, ये वाले स्केयर वेव्स, ये वाले जो कि 267 होंगे, इसके हाफ 533 टोटल होगा, इसका हाफ 267 होंगे। जो टाइम ड्यूरेशन होगी एक स्केयर वेव साइकिल, यानी इस साइकिल की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है एक्टिव पीरियड ऑफ ईच हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हर एक हॉरिजॉन्टल की जो एक्टिव पीरियड होता है, अपॉन नंबर ऑफ साइकिल्स। देखिए एक्टिव पीरियड क्या होता है, 52 माइक्रोसेकंड का लिया जाता है ना, एक तो होता है ट्रेस पीरियड, एक होता है रिट्रेस पीरियड, जो कि हमने हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में किया था, जो उसका एक्टिव पीरियड होता है एक लाइन का स्कैन करने का, ट्रेस करने का, वो होता है 52 माइक्रोसेकंड, 52 इंटू 10^-6 अपॉन नंबर ऑफ साइकिल, कितने नंबर ऑफ साइकिल है, 267, ये है हमारे नंबर ऑफ साइकिल। टाइम ड्यूरेशन वन स्क्वायर के THC से डिनोट किया गया है। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए ये तो सेकंड्स में है, और जो फ्रीक्वेंसी होगी पीरियोडिक वेव की वो FH से जिसे डिनोट किया जाएगा, वो होगी 1/THC, यानी कि 267 × 10^6 अपॉन 52, इस तरह लिख सकते हैं इसे 1/THC को, यानी ये ऊपर चला जाएगा, 52 नीचे आ जाएगा, यानी 5 MHz वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये टाइम पीरियड शो किया गया है एक साइकिल का, और ये फ्रीक्वेंसी है पीरियोडिक वेव, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन। थैंक यू।